ग्रेविटेशन के सवाल और जवाब देखेंगे। पहला है, यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्स बाय पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर। कैन यू शील्ड अ बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय मैटर बाय पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो स्फीयर और बाय सम अदर मींस। सवाल में ये पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है उससे आप बचा सकते हैं किसी भी चार्ज को, अगर उसको आप किसी खाली कंडक्टर में डाल दें, क्या ये काम आप ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से किसी बॉडी को बचाने के लिए कर सकते हैं? तो उत्तर है नहीं। जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है मैटर का, वो आप किसी भी तरीके से रोक नहीं पाएंगे, स्क्रीन नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे अभी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात की गई, सवाल इसी के लिए पूछा गया, ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी मटेरियल बीच में आप क्यों ना रख दें, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इंडिपेंडेंट होता है वो, चाहे आप कुछ भी बीच में रख दें, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। खास तौर पे ये इंडिपेंडेंट है चाहे जो भी ऑब्जेक्ट का स्टेटस हो। अगला है, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेस शिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। एक एस्ट्रोनॉट साहब है एक स्पेस शिप के अंदर, वो ग्रेविटी नहीं पता कर पा रहे हैं या फील नहीं कर पा रहे हैं। यदि जो स्पेस स्टेशन ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड, उसका बड़ा साइज हो, तो क्या उनको ग्रेविटी डिटेक्ट होगी? क्या वो ग्रेविटी फील कर पाएंगे? छोटे स्पेसशिप से बड़ा कर दिया जाए इस स्पेसशिप को। और भी आगे देख लेते हैं, इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू सन टू दैट ड्यू टू मून, यू विल फाइंड दैट द सन्स पुल इज ग्रेटर देन मून्स पुल। हाउएवर द टाइडल इफेक्ट ऑफ मून पुल इज ग्रेटर देन द टाइडल इफेक्ट ऑफ सन। सवाल इस तरीके से है कि जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो मून से बहुत ज्यादा है, लेकिन जो टाइड्स बनते हैं, टाइडल इफेक्ट जो होता है, टाइड का जो पुल है वो मून के द्वारा ज्यादा है, ऐसा क्यों? तो पहले एस्ट्रोनॉट साहब की बात कर लेते हैं। अगर आपने स्पेस स्टेशन का साइज बड़ा कर दिया, यदि जो साइज है स्पेस स्टेशन का बड़ा कर दिया, तो एस्ट्रोनॉट साहब वाकई में डिटेक्ट कर पाएंगे अर्थ की ग्रेविटी के चेंज को। तो साइज डज मैटर, किस जगह पे वो है, क्या उसका साइज है, मास, बेसिकली मास के बारे में बात हो रही है इसमें। अब जब सन और मून के बारे में बात करेंगे अर्थ से रिस्पेक्टिव, तो जो टाइडल इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करते हैं? टाइडल इफेक्ट डिपेंड करते हैं इनवर्सली किसके, डिस्टेंस के क्यूब पे, डिस्टेंस के क्यूब पे। यानी टाइडल इफेक्ट अगर मैं ई कहूं तो ये डिपेंड कर रहे हैं वन बाय, अब आप देखिए, क्यूब ऑफ डिस्टेंस आर क्यूब। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है इनवर्सली वन बाय आर स्क्वायर पे। और चूंकि जो दूरी है मून और अर्थ के बीच में वो कम है जो दूरी है सन और अर्थ के बीच में, तो जो टाइडल इफेक्ट है मून का या मून के पुल का वो ज्यादा है। इस रिलेशनशिप से आप समझ रहे होंगे, जितना सन पुल दे रहा है उससे ज्यादा आपके मून का पुल है, दूरी कम है। चूज दी कलेक्ट, जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव इसमें चूज करना है, इसमें आप हाइफन ये स्लैश देख रहे हैं, इसका मतलब इनमें से आपको एक चूज करना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डैश डैश, यानी इंक्रीज डिक्रीज में एक चीज भरनी है विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होने लगेगी, तो इसका उत्तर है डिक्रीजेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे ही आप डेप्थ अंदर की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज होगी, क्योंकि आप जानते हैं सेंटर पे जाके ये जीरो हो जाती है। यहां पर भी आप डिक्रीजेस, यहां पर भी आप डिक्रीजेस चूज करेंगे। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी, इसको चूज करेंगे, चाहे कोई भी मास ऑफ बॉडी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस मास ऑफ बॉडी से इंडिपेंडेंट रहेगी। फिर एक्सेलरेशन द फॉर्मूला माइनस जी जी एम एम वन माइनस आर वन माइनस वन बाय आर टू, वन बाय आर टू माइनस आर वन बाय आर वन, ये
जो फॉर्मूला है इज मोर लेस एक्यूरेट देन द फॉर्मूला एम जी एल टू माइनस आर वन फॉर द पोटेंशियल और फॉर द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट आर टू एंड आर वन डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। पहली चीज तो देखिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी हाइट या किसी डेप्थ, जब हम हाइट की बात करेंगे तो ऊपर की बात करेंगे, डेप्थ की बात करेंगे तो नीचे की बात करेंगे। तो जहां हम ये रिलेशन की बात करें तो हमारे पास कुछ रिलेशनशिप इस तरीके से आती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी डेप्थ पे वो जी डी इक्वल टू वन माइनस डी बाय आर ई इंटू जी है। अब इससे क्लियर है आपका कि जो रिलेशन है ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे ही आप डेप्थ की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होती है बस। अगर आप देखें तो अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच जाए तो जैसे मैंने बताया जो ग्रेविटी है वो जीरो हो जाती है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहां पर हम अगर कहें कि भाई जी एम आर हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मास से इंडिपेंडेंट होती है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मास। तो इसीलिए यहां पर आपके मास की इंडिपेंडेंस है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। और ये आखिर की बात करें इस पार्ट की, तो आप देखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दो पॉइंट्स आर टू और आर वन वो कैसे दी जाती है। अगर आप मान लीजिए आर टू डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से आर टू डिस्टेंस पे है एक पॉइंट, एक आर वन डिस्टेंस पे है जो सेंटर ऑफ अर्थ से, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी आर वन है माइनस जी एम एम बाय आर वन, ऐसी वी आपका आर टू जी एम एम बाय आर टू, इनका डिफरेंस लेंगे पोटेंशियल एनर्जी का वी आर टू माइनस वी आर वन, तो ये आपका आएगा, इसको आप कॉमन ले लीजिए वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन। इसका मतलब जो फॉर्मूला है वो एक्यूरेट है रादर देन दिस वन। तो इसके लिए मैंने बाकी तीन तो आपको यहाँ बता दिए, एक जो आखिर बचा उसमें आप ये सही करेंगे, तो ये लिखेंगे सही। Suppose there existed a planet that went around the sun twice as fast as the earth, what would be its orbital size as compared to that of earth? सवाल ये है कि एक ऐसा planet है that went around the sun twice as fast as earth, यानी कि जो earth का समय है sun के को revolve करने का, उस वो जो planet हम एक मान रहे हैं एक imaginary planet, वो twice मतलब दो गुना तेजी से जाता है, क्या ऑर्बिटल साइज होगा इसका अगर अर्थ से कंपेयर करें तो? तो इसका उत्तर है लेस देन अ फैक्टर ऑफ 0.63। अब ये कैसे आया इसको देखते हैं। पहली चीज, जो समय लिया गया अर्थ द्वारा ताकि वो एक पूरा रेवोल्यूशन जो सन के अराउंड कंप्लीट कर ले, वो होता है आपका एक साल, आपने कहा टीई वन ईयर। जो ऑर्बिटल रेडियस है अर्थ का उसकी खुद की ऑर्बिट में, वो है आपका एक दिन, एक एयू। अब जो टाइम लिया गया उस प्लैनेट द्वारा ताकि वो कंप्लीट कर सके वन रेवोल्यूशन सन, अब देखें कि उसकी स्पीड ट्वाइस है, मतलब अगर ये एक ईयर में सन कंप्लीट कर रहा है तो ये क्योंकि ट्वाइस तेज भाग रहा है तो ये आधे समय में ही कंप्लीट कर लेगा, यानी कि आधे ईयर में ही कंप्लीट कर लेगा। यहां पर हम जो ऑर्बिटल रेडियस है उस प्लैनेट का वो आरपी मानते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई चलिए हम एक यूनिट ये ले ले रहे, तो ये आपका आरपी मान लेते हैं, ये आपका ऑर्बिटल रेडियस है अर्थ का अपने अपने ऑर्बिट पे, ऑर्बिटल रेडियस हो गया ये। तो केपलर लॉ ऑफ जो तीसरा लॉ है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये हम यहाँ पर लगाते हैं, तो आरपी बाय आरई का होल क्यूब वो बराबर हो जाएगा टीपी बाय टी का स्क्वायर, इससे हम लगा दें। अब इस क्यूब को यहां अगर ले जाए तो 2/3 हो जाएगा, तो आर पी बाय आर ई क्या होगा टीपी बाय टी, और टीपी बाय टी का रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है, टीपी आधा है टी के, तो टीपी की जगह आधा टी लिख दीजिए, टी टी कैंसिल आउट, हाफ की पावर 2/3 यानी 0.5 की पावर 2/3, इसका मतलब है 0.5 का स्क्वायर और उसका क्यूब रूट, ये निकालना है आपको। तो ये 0.63 आएगा, जो ऑर्बिटल रेडियस है प्लैनेट का वो 0.63 टाइम जो कि ये वैल्यू आ रही है वो कम रहेगा अर्थ के कंपेयर में। ये एक
सैटेलाइट है जुपिटर का, उसका ऑर्बिटल पीरियड करीबन इतना दिन दिया हुआ है, जो रेडियस है ऑर्बिट का वो तकरीबन इतना दिया है। आपको बताना है कि जो मास है जुपिटर का वो 1/1000 टाइम है जो सन का है, मास 1/1000 मास ऑफ सन। तो ऑर्बिटल पीरियड इस IO या I0 जो भी आप माने जो दिया हुआ है सवाल में, वो आपको दिया हुआ है, हम इसको टाइम ले लेते हैं क्योंकि ऑर्बिटल पीरियड मतलब टी जो इसका है वो 1.769 डेज है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हमने इसको सेकंड में निकाल लिया। जो ऑर्बिटल रेडियस है वो भी दिया हुआ है 4.22 × 10^8, ये भी हमने यहाँ लिख लिया, ये आर हो गया, ये टी हो गया, ये आर हो गया। अब सैटेलाइट जो ये जुपिटर का है वो जुपिटर के अराउंड घूम रहा है, अब मास कैसे इसका निकालेंगे, मास का हमारे पास एक रिलेशनशिप है m 4πr² r³/gt, और ये इसकी वैल्यूज लेंगे हम, जहां पर जो mj आप देख पा रहे हैं मास ऑफ जुपिटर है, mj सब जे इस लगा है कि जुपिटर का मास है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब टाइम ये एक रिलेशनशिप हो गया। अब जो ऑर्बिटल पीरियड है अर्थ का कितना है 365.25, साढ़े 1/4 दिन भी होता है 365 के साथ, तो 365.25 डेज दे दिया। 365.25 डेज, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो ऑर्बिटल रेडियस जो अर्थ का हुआ वो हमको पता है कितना है, वो 1.496 × 10^11, इसको 1 AU इस तरीके से लिखते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है, वी नो अबाउट इट। जो मास है सन का वो कैसे हम देंगे, ms देंगे 4π² re³ gt³। अब हमारे पास दूसरी रिलेशनशिप भी आ गई, ये रिलेशन और ये रिलेशन दो हमारे पास इक्वेशन आ गए, इनको हम डिवाइड कर देंगे, ms बाय mj कर देंगे, यानी इसको पिछले वाले से डिवाइड कर देंगे, और जो जो चीजें हैं जो कांस्टेंट है वो तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो gg कैंसिल हो जाएगा, 4π² कट जाएगा, r³ t² बचा, यहां पर t² r³ बचाइए। अब ये हम निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके हैं, ये हमें पता है, ये हमें पता है, सारी वैल्यूज रख दीजिए, ये आर है, ये दोनों आर है, और ये टाइम हमने अभी अभी निकाले, एक का 1.769 बताया गया था, एक का 365.25, दोनों डिवाइड कर लीजिए, 1045 आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट हम ले सकते हैं 1000, यहाँ पर 1000 लिख सकते हैं, तो ms विल बी 1000 ऑफ mj। तो हम ये बता सकते हैं कि जो मास ऑफ जुपिटर है वो 1/1000 है सन की। अज्यूम कीजिए, मानिए कि अब जो हमारी जो गैलेक्सी है उसमें इतने स्टार्स हैं, हर एक का अज्यूम कर लीजिए कि एक सोलार मास है, कितना समय है, हाउ लॉन्ग विल अ स्टार एट अ डिस्टेंस दिस मच, ये दूरी बताई गई है, कितना समय एक स्टार जिसकी दूरी इतनी दी गई है फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, गैलेक्टिक सेंटर से कितना समय लेगा ताकि एक रेवोल्यूशन वो कंप्लीट कर सके। आपको डायमीटर जो मिल्की वे का लेना है वो तकरीबन इतना लेना है, लाइट ईयर्स। तो मास जो अपनी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी की है वो यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम डायरेक्ट ले लेंगे। जो सोलार मास है, सोलार मास वो मास ऑफ सन है, हम जानते हैं मास, ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, 2 × 10^36। अब मास हमारी जो गैलेक्सी का है 2.5 × 10^11, ये सोलार मास है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वैल्यू को इस वैल्यू से, आपके पास ये केजी में आ जाएगा, ये मास हो गया आपका। डायमीटर क्या है मिल्की वे का, जो कि यहाँ दिया भी हुआ है सवाल में, 10^5 लाइट ईयर। अब 10^5 × 10^5 जो 4 है, ये आपके पास रेडियस दिया हुआ है, ये हमने इसको लिखा है, ये कि 5 × 10^5 आपका लाइट ईयर, ये रेडियस है मिल्की वे का। एक लाइट ईयर होता है कितने मीटर के बराबर, 9.46 × 10^15 मीटर, ये भी हमें पता है। तो आर कितना हो जाएगा इस लाइट ईयर में, इस लाइट ईयर की जगह ये रख दीजिए, ये तो 5 × 10^4, और ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि तकरीबन इतनी वैल्यू आ गई। अब क्योंकि ये स्टार रिवॉल्व कर रहा है गैलेक्टिक सेंटर जो मिल्की वे का है, तो इसका टाइम पीरियड किस तरीके से निकल के आएगा, टाइम पीरियड हमारे पास है 4π² r³/gm, ये रिलेशन हमें पता है, राइट।
हमारे पास 4 पाई की वैल्यू है, आर हमने देख लिया अभी, जी 6.67 × 10⁻¹¹, मास हमने निकाल लिया, ये सारी वैल्यू रखिए, आपके पास इतना सेकंड आएगा। एक ईयर होता है 365 × 324 × 60 × 60, तो एक सेकंड कितना होगा, इसको इसके नीचे ले आइए, एक सेकंड होगा इस इतने ईयर के बराबर, तो इतना सेकंड कितना होगा, ईयर में निकालना है, इतना सेकंड कितना होगा, ये इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास 3.55 × 10⁸ ईयर्स आ जाएगा। आपको कलेक्ट ऑल्टरनेटिव इसके चूज करने हैं। यदि जीरो पोटेंशियल एनर्जी का इंफिनिटी पे है और जो टोटल एनर्जी है एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की वो नेगेटिव है उसके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से, तो आपको इस काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में एक चूज करना है। अगला है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, क्या ये मोर है लेस है, मोर या लेस बताना है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट सेम हाइट आउट ऑफ द अर्थ इन्फ्लुएंस। तो पहली चीज तो यहां पर काइनेटिक आएगा और यहां पर आपका लेस आएगा, कैसे, जो पूरी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है सैटेलाइट की वो होती क्या है, हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी 1/2 mv² में, मास नेगेटिव हो नहीं सकता, ये v² आती है, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ ग्रेविटेशन के केस में यहाँ पर नेगेटिव होती है। अब सवाल है इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी सेटेलाइट की जीरो है, तो जो अर्थ सेटेलाइट सिस्टम है ये एक बाउंड सिस्टम है, टोटल एनर्जी सेटेलाइट की नेगेटिव ही रहेगी, इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है किसी भी ऑर्बिटिंग सेटेलाइट की इन्फिनिटी पे वो बराबर होगी नेगेटिव उसके काइनेटिक एनर्जी की, ये पहला हो गया। अगला जो है वो ये देख रहे हैं, एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट ये एनर्जी लेता है, एक्वायर करता है, जिससे वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड घूमता है, ये उसके ऑर्बिट से एनर्जी उसको मिलती है, तो उसको कम थोड़ी कम एनर्जी चाहिए ताकि वो अर्थ के इन्फ्लुएंस ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर जा सके। क्यों, क्योंकि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है अर्थ और सरफेस पे उसके पास कोई एनर्जी तो होती नहीं, इसीलिए जो क्वेश्चन कहा गया है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ सैटेलाइट ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट आउट ऑफ अर्थ इन्फ्लुएंस। डज द एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी from the earth depend on the mass of the body, the location from where it is projected, the direction of projection, the height of the location from where the body is launched. Kya escape speed body ki in mein se kisi pe depend karti hai? Uttar samajhiyega, sabse pehle jo escape velocity hai body ki earth se wo hum ve se represent karte hai, wo under root 2gr, isme g acceleration due to gravity hai, r aapka radius of earth. अब इस इक्वेशन से क्लियर है कि जो एस्केप वेलोसिटी है उसमें कहीं मास तो आ नहीं रहा है, तो मास से इंडिपेंडेंट हो गई, डायरेक्शन भी नहीं आ रहा है प्रोजेक्शन का, तो डायरेक्शन से भी इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे, तो क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जी आपका आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट पे उस पर डिपेंड कर रही है, और क्योंकि जो पोटेंशियल अपने आप में मार्जिन ही थोड़ा सा डिपेंड करता है हाइट पे, तो एस्केप वेलोसिटी थोड़ा सा मार्जिनली कह सकते हैं लेकिन डिपेंड करती है इन फैक्टर पे, तो डायरेक्शन और प्रोजेक्शन पे तो डिपेंड करती है, मार्जिनली हाइट पे करती है, लेकिन आप कहेंगे कि इस पे मास पे और दूसरी चीज जो लोकेशन है उस पे तो ये कहीं डिपेंड नहीं करती। एक कॉमेट है जो ऑर्बिट कर रहा है सन के अराउंड और बड़ी हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है, क्या यह कॉमेट के पास कांस्टेंट लीनियर स्पीड होगी या कांस्टेंट एंगुलर स्पीड होगी, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम होगा, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी या कांस्टेंट टोटल एनर्जी इस पूरे ऑर्बिट पे? आपको जो मास का लॉस है इस कॉमेट का वो निगलेक्ट करना है जब ये बहुत करीब पहुंच जाता है सन के। तो इसके उत्तर कुछ इस तरीके से है कि जो एंगुलर मोमेंटम है और टोटल एनर्जी है हर एक
पॉइंट पे ऑर्बिट के, क्योंकि ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूम रहा है, वहां ये कांस्टेंट होगी। उसका लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ये वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट, इसलिए बाकी सारे नो है, केवल ये और ये, यानी कि एंगुलर मोमेंटम और आपका जो फाइनल वैल्यू है टोटल एनर्जी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए ये ऐसे यानी कि एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी, बाकी सब नो है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज लाइकली टू अफ्लिक्ट एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, या अफेक्ट कह सकते हैं, जैसे स्वॉलन फीट है, स्वॉलन फेस, हेडेक या ओरिएंटेशन प्रॉब्लम, ये में से कौन सी चीज इनको इफेक्ट करेगी? इसमें उत्तर है स्वॉलन फेस, हेडेक और ओरिएंटेशन प्रॉब्लम। जब आप खड़े रहते हैं तो आपका जो पैर है वो आपके पूरे मास को संभालता है, अगर ग्रेविटेशन पुल जो आ रहा है अर्थ का उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। जब आप स्पेस पे पहुंचते हैं तो एस्ट्रोनॉट को तो वेटलेसनेस होती है क्योंकि ग्रेविटी उसको बिल्कुल फील नहीं होती है। इसका मतलब जो स्वॉलन फीट है, अगर उनका जो पैर है या वो थोड़ा सा उसमें आप कहें कि वो फूल गया है, स्वॉलन हो गया है, तो वो उनको इफेक्ट नहीं करेगा, पहली चीज तो ये होगी। लेकिन स्वॉलन फेस है वो कब आता है? ये तब आता है कि जब वेटलेसनेस, अपरेंट वेटलेसनेस फील होती है स्पेस में। जो हमारी सेंसरी ऑर्गन है, जैसे आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये आपके फेस पे होते हैं, तो ये आपको इफेक्ट करेगा, इस एस्ट्रोनॉट को इफेक्ट करेगा। हेडेक मेंटल स्ट्रेन से आता है, तो ये भी एस्ट्रोनॉट की वर्किंग पे इफेक्ट करेगा। और ओरिएंटेशन की बात करें तो स्पेस में अलग अलग ओरिएंटेशन होते हैं, ये भी आपके ओरिएंटेशन प्रॉब्लम भी इफेक्ट करेगी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन वंस। द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैज डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो। इसमें अलग अलग एरो दिए हुए, जैसे ये ए है, बी है, सी है, और भी आपके पास डायरेक्शन है। इसमें से जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में है? उत्तर है इसका आपका तीसरा। अब ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, पहली बात तो ये कांस्टेंट है, सारे पॉइंट पे स्फेरिकल शेल की बात हो रही है, तो इसके कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी कि डीवी बाय डीआर, ये आपका जीरो होगा अगर आप स्फेरिकल शेल के अंदर की बात करें। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो किसके बराबर होगा? नेगेटिव ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के। तो जो इंटेंसिटी है वो जीरो होगी सारे पॉइंट पे जो स्फेरिकल शेल के अंदर है। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो काम कर रहा है किसी पॉइंट पे, एक स्फेरिकल शेल पे, वो सिमेट्रिक होगा। यदि इसका अपर हाफ स्फेरिकल शेल का आपने हटा दिया, अगर उसको कट कर दिया, तो जो नेट ग्रेविटेशन फोर्स, जो एक्चुअल ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है पार्टिकल पे, जो यहां पर सेंटर पे है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पे, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? वो डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास उस पॉइंट पे। तो वो कहां पे काम करेगा? नीचे की तरफ काम करेगा, यहां पर जो देख रहे हैं। तो जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इस ओ पे या सेंटर पे काम कर रही है किसी हेमिस्फेरिकल शेल पे, उसका डायरेक्शन सी थर्ड, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना है। अब एक डायग्राम आपने देखा जो पिछले सवाल में था, अब आपको बताना है डायरेक्शन क्या है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का, कि कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी हो सकता है, तो वो किससे रिप्रेजेंट करेगा? डी ई एफ जी, यानी कि अब यहां की बात हुई, ये तो सेंटर की बात होगी, लेकिन अगर ये पी है तो जी डायरेक्शन में, डी डायरेक्शन में, ई डायरेक्शन में, एफ डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में होगा आपका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी? तो इसका उत्तर है ई डायरेक्शन में, वो आप यहां पर देख पा रहे हैं ई डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें भी सेम ही डिस्कशन हमारा चलेगा कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है सारे पॉइंट में स्फेरिकल शेल के। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट है डीवी बाई डी आर, वो जीरो होगा
अगर आप स्फेरिकल शेल के अंदर की बात करें, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो किसके बराबर होगा, जो नेगेटिव ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के। इसका मतलब जो इंटेंसिटी है वो भी जीरो होगी हर एक पॉइंट पे अगर स्फेरिकल शेल के अंदर की बात करें तो। ये बताता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम कर रहा है किसी भी पॉइंट पे वो स्फेरिकल शेल में सिमेट्रिक होगा। लेकिन अब क्योंकि ये हेमीस्फेयर है यानी कि अपर पार्ट जो है वो चला गया है, आपने कटआउट कर दिया, तो जो नेट ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि ई डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है किसी पॉइंट पे उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अभी आपने बताया फोर्स पर यूनिट मास उस पॉइंट पे, तो किस काम पे किस जगह पे काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो ग्रेविटेशन इंटेंसिटी है किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट को ले लीजिए जो हेमिस्फेरिकल शेल पे है, उसका डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, ई डायरेक्शन में। एक रॉकेट है जिसको फायर किया गया अर्थ से सन की तरफ, क्या डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट जीरो। किस डिस्टेंस पे जो अर्थ, अगर अर्थ के सेंटर से निकाला जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स उस रॉकेट पे जीरो होगा। मास सन इतना है, मास अर्थ का इतना है, आपको बाकी जो प्लैनेट है उनका इफेक्ट निगलेक्ट करना है, ऑर्बिटल रेडियस भी आपको दिया हुआ है। तो मास सन ms ये भी दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, ऑर्बिटल रेडियस भी हमको दिया हुआ है, मास ऑफ द रॉकेट हम m मान लेते हैं। सिनेरियो कुछ इस तरीके से बन रहा है, हम मानते हैं कि मान लीजिए यहां से यहां तक, यहां से इस p पॉइंट का दूरी x है, ये डिस्टेंस वो है जो सेंटर ऑफ द अर्थ से इस जगह पे जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो सैटेलाइट पे काम कर रहा है वो जीरो होगा, इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। अब जो ग्रेविटेशन या कहें कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, हम इस ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो काम कर रहे हैं उसको इक्वेट कर सकते हैं इस पी पे, चाहे वो सन से काम कर रहा हो चाहे वो अर्थ से काम कर रहा हो। तो हम कैसे करेंगे, पहले समझिए, हमको एफ वन या एफ ई इक्वल टू एफ एस करना है, सन और अर्थ का फोर्स बराबर करना है ग्रेविटेशन फोर्स। यहां से यहां तक दूरी r है, ये अगर x है तो ये r माइनस एक्स होगा। अब आप समझ गए, एक बार हम x लेंगे, एक बार r माइनस एक्स लेंगे, एक बार मास ऑफ सन ये ले, मास एक बार ये लेंगे, एक बार मास ये लेंगे, तो g इंटू एम इंटू मास ऑफ सन r माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और g इंटू एम इंटू मास ऑफ अर्थ एक्स स्क्वायर। ये मास बॉडी का है, ये तो खैर हट जाएगा, g भी हट जाएगा, और बाकी आप r माइनस एक्स बाय एक्स निकालेंगे, आपको ये दोनों वैल्यू पता है, तो x यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि 2.59 इंटू 10 की घात 8 है। How will you weigh the sun, that is estimate its mass? किस तरीके से आप सन का मास एस्टिमेट करेंगे, जो मीन ऑर्बिटल रेडियस है अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी का सन के अराउंड, वो ये संख्या है। तो जो ऑर्बिटल रेडियस है आपका अर्थ अराउंड द सन, वो इस हिसाब से मीटर में दिया हुआ है, क्योंकि ये किलोमीटर में दिया है तो हमने 10^3 और इसमें लगा दिया। जो समय लगता है अर्थ को, पृथ्वी को, सूर्य के का एक रेवोल्यूशन करने के लिए, वो एक साल लगता है, यानी कि 365.25 डेज, यानी 365.25 24 घंटे 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो सेकंड में इतनी संख्या आ जाएगी। जी हमें पता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, तो जो मास ऑफ सन है उसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे m इक्वल टू 4π² आर क्यूब बाय जी टी स्क्वायर, ये रिलेशनशिप हमें पता है, ये सारी वैल्यू हम रख देंगे और 2×10^30 ये मास ऑफ सन आएगा। अ सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर, जो सैटर्न पे एक साल होता है वो हमारे पृथ्वी के एक साल के 29.5 गुना होता है। How far is the Saturn from the Sun if the Earth is this much kilometer away from the Sun? तो Saturn कितना दूर है Sun से यदि Earth की दूरी इतनी है? इसको करने का तरीका इस तरीके से है कि हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है डिस्टेंस अर्थ का सन से, इसको हम मीटर में बदल लेते हैं, 10^3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10^8 10^11 हो जाएगा। अब टाइम पीरियड जो अर्थ का है वो TE लेते हैं, और Saturn क्योंकि 29.5 टाइम्स है TE के, तो हम टाइम पीरियड जो सैटर्न का है उसको हम लिख सकते हैं 29.5 इंटू टी, जो डिस्टेंस है सैटर्न का सन से हम आर एस मान के चलते हैं। अब जो कैपलर साहब का
थर्ड लॉ है प्लेनेटरी मोशन का, तो अगर हम सैटर्न और सन को लें तो हम लिख सकते हैं दिस आर एस क्यूब बाय आर ई क्यूब इज इक्वल टू टी एस स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। अगर हमें आर एस निकालना हो तो कैसे करेंगे, इसको यहाँ ले जाइए और ये क्यूब रूट आपको यहाँ लेना पड़ेगा, तो आर एस विल बी इक्वल टू आर ई टी एस बाय टी टू बाई थ्री, इस तरीके से आएंगे। वैल्यूज रखिए, टी एस की जगह 29.5 टी रख दीजिए, टी वैसे रहेगा, ये दो कैंसिल होंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये दूरी आएगी सैटर्न और सन के बीच में। एक बॉडी का जो वेट है वो 63 न्यूटन है जो अर्थ के सरफेस पे अगर नापा जाए तो कितना ग्रेविटेशन फोर्स उस पर अर्थ के कारण, ड्यू फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ, और अर्थ के कारण और हाइट उसकी बराबर है हाफ द रेडियस, मतलब अर्थ के रेडियस के आधी जो हाइट है वहां पर आपको निकालना है। तो वेट आपको दिया गया है 63 न्यूटन। अब हम इसमें जो रिलेशनशिप यूज करेंगे वो है एच हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, अर्थ सरफेस से एच हाइट पे जो रिलेशन है वो हमारे पास ये है जी डैश इक्वल टू जी बाय वन प्लस एच बाय आर ई होल स्क्वायर, जहां पर जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, एच ये हाइट है और एच आपको हाइट दी हुई है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब आर ई बाय टू ये दिया हुआ है, तो एच आर ई बाय टू दिया हुआ है, इसको इसमें रख दीजिए और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, क्योंकि ये तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, 4/9 जी आएगा। अब वेट जो उस बॉडी का है, मास एम है, हाइट एच है, तो वेट है आपका एम जी, लेकिन उस दूरी पे उस हाइट पे जी कितना हो जाएगा, 4/9 g, तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए 4/9 इंटू एम जी, यानी कि 4/9 ऑफ वेट, एम जी इज वेट। ये क्या दिया हुआ, 63 न्यूटन, 4/9 इंटू 63 28 न्यूटन आ जाएगा। आपको ये मानना है, अज्यूम करना है कि जो अर्थ है ये एक स्फीयर है जिसका यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, बाकायदा इसको एक प्रॉपर शेप मानना है। हाउ मच वुड अ बॉडी वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इफ इट वेटेड 250 न्यूटन ऑन द सरफेस। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये मान लीजिए सेंटर ऑफ द अर्थ है तो इस यहां पर कितना वेट होगा, यदि सरफेस पे इसका वेट 250 न्यूटन दिया हुआ है तो इसके लिए भी हमारे पास रिलेशनशिप है। पहले तो हम ये देख लें कि जो वेट है बॉडी का अर्थ सरफेस पे W यानी कि mg 250 न्यूटन दिया हुआ है, और ये जो d है आपका यहाँ पर ये r e by 2 है, यानी जो डेप्थ है वो आपको बताया गया कि आधी दूरी पे क्या होगा, तो r e by 2 जिसमें r e आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम डेप्थ पे जाते हैं तो वो इस रिलेशनशिप से दी जाती है, जी डैश इक्वल टू 1 - d बाय r e ब्रैकेट में इंटू जी। इस जी की जगह आप आर ई बाय टू रख दीजिए और आर ई बाय टू जैसे रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और आपका 1 - 1/2 और ये हाफ जी। अब वेट क्या होगा इस बॉडी का डेप डी पे, वेट होता है एम जी डैश, क्योंकि जी डैश लेंगे इस जगह पे जी डैश काम करेगा। अब जी डैश तो हमारे पास जी बाय टू आ चुका है, इसको जी बाय टू रख दीजिए, यानी एम जी हाफ एम जी हो गया हाफ डब्ल्यू। यहां पर 250 न्यूटन है तो यहाँ कितना होगा, हाफ इंटू 250 न्यूटन, यानी कि आपका आएगा 125 न्यूटन। एक रॉकेट को फायर किया गया वर्टिकली, इसका स्पीड आपको दिया गया है 5 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ सरफेस से। हाउ फार, कितनी दूरी अर्थ से डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, कितनी दूरी तक ये जाएगा इससे पहले कि वापस आए। मास ऑफ अर्थ आपको दिया है, मीन रेडियस आपको अर्थ का दिया हुआ है और जी भी आपको दिया गया है। उत्तर है ये, कैसे आया देखते हैं। पहले तो ये है कि जो वेलोसिटी है रॉकेट की वो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड दी हुई है, किलोमीटर को 10^3 लिख देंगे, यानी हम मीटर पर सेकंड में निकालना चाहते हैं। मास ऑफ अर्थ दे रखा है एम ई, एम सब ई, रेडियस ऑफ अर्थ आर सब ई भी दिया हुआ है। अब मान लीजिए ये एच हाइट तक जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एनर्जी लेके आते हैं, यानी कि टोटल एनर्जी जो रॉकेट की होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम जी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम ई एम बाय आर ई। अब हाईएस्ट पॉइंट एच पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हाफ एम जी स्क्वायर काम नहीं करेगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। कैसे आइए,
हाफ एम वी स्क्वायर को जीरो कर दिया, मतलब वी को जीरो किया, तो ये संख्या आ गई आपके पास, ये रिलेशनशिप आ गई। तो टोटल एनर्जी आपकी रॉकेट की। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन से क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन से ये है कि टोटल एनर्जी जो रॉकेट की अर्थ सरफेस पे होगी वही हाइट एच पे होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे ताकि हम इसको वी स्क्वायर और इसमें जो 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 कटिंग हो सकती है, क्योंकि ये दोनों समान है, इसको यहाँ लेके आएंगे, थोड़ा सा इसमें कैंसिल आउट भी होगा, तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई। लेकिन हम जानते हैं कि ग्रेविटी जो कि जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर होता है, इसको हम यहाँ पर इस जगह पे रख सकते हैं, तो अब इसलिए हमने इसको जी रख दिया। अब वी स्क्वायर आर ई प्लस एच, मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये वाली हम रिलेशनशिप लगा रहे हैं, और यहाँ पर ए की जगह जी रख रहे हैं, एच की एस की जगह हम एच रख रहे हैं, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर आर ई प्लस एच की जगह हम टू इंटू जी, यानी टू इंटू जी, ये टू जी टू इंटू जी यहाँ रख सकते हैं, वी स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू इंटू जी इंटू एच, टू जी एच, और आर ई आपका है ही, तो वी स्क्वायर इंटू आर ई क्या हो जाएगा अगर इसको हम इक्वेट करें, और इस ये वी स्क्वायर आर ई को रखें, वी स्क्वायर एच को यहाँ लें, तो इससे एच निकाल सकते हैं वी स्क्वायर आर ई बाय टू जी आर ई माइनस वी स्क्वायर। अब ये हमने क्यों किया, उसका कारण ये था कि ये सारी वैल्यूज हमें पता है, ये सब वैल्यू हम रखेंगे, हाइट आपकी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर आएगी। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है इसमें, बस ये ध्यान रखिएगा। तो जो हाइट इन्होंने अचीव की, क्योंकि हम हाइट जो लेंगे वो हम यहाँ से लेंगे रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, यानी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 में ये जो हाइट आई है इसको हम ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 8 इंटू 10 की पावर 6 मीटर आ जाएगा। जो एस्केप स्पीड है प्रोजेक्टाइल की सरफेस ऑफ अर्थ पे वो इतनी है 11.2, अंडर रूट 2 जीआर से आती है। जो बॉडी है उसको प्रोजेक्ट किया गया थ्राइस द स्पीड, मतलब जितनी स्पीड है उससे तीन गुना स्पीड से आपको इसको प्रक्षेपण किया गया, भेजा गया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम अर्थ, तो दूरी पे, काफी दूरी पर स्पीड क्या होगी बॉडी की, आपको सन और बाकी प्लैनेट है इसको इग्नोर करना है। तो एस्केप वेलोसिटी वी एस्केप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वीपी वो है 3 इंटू वे एस्केप, क्योंकि तीन टाइम दिया हुआ है तो इसका इसका तीन गुना हो जाएगा। मास ऑफ प्रोजेक्टाइल हम ले रहे हैं m, जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वो दूरी पर हम f मानते हैं vf। अब जो टोटल एनर्जी है प्रोजेक्टाइल की अर्थ पे क्या होगी, हाफ एम वी पी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी होगी आपकी। हमने इसमें क्या किया कि वी पी यानी प्रोजेक्शन वेलोसिटी एक तो ले ली और साथ में एस्केप वेलोसिटी, इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका टोटल एनर्जी जो अर्थ पे होगी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर बहुत दूरी की बात करें तो अर्थ से वो जीरो होता है, तो टोटल एनर्जी दूरी पे क्या होगी, केवल हमारे पास हाफ एम वी एफ स्क्वायर होगी। इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, यानी कि ये जो एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन से ये एनर्जी इससे इक्वेट करेंगे, तो ये हाफ एम हाफ एम हाफ एम तो कट जाएगा, वी एफ हमारा अंडर रूट वी पी स्क्वायर माने वी स्क्वायर आएगा, ये क्योंकि थ्री टाइम्स वी एस्केप थी तो ये वी एस्केप को आप बाहर ले सकते हैं, और 3 3 9 9 माइनस 1 इज अंडर रूट 8, और वी एस्केप तो खैर दिया ही हुआ 11.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31.68 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। एक सैटेलाइट जो है ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, हाइट इसकी 400 किलोमीटर दी हुई है सरफेस से, अर्थ के सरफेस से। कितनी एनर्जी जो आप इस रॉकेट को देंगे, एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट टू रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से ये चला जाए। मास आपको सैटेलाइट का दिया हुआ है 200 kg, मास अर्थ का दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है जी, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट दिया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। तो मास ऑफ अर्थ आपको एम है, कैपिटल एम लेंगे, मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल एम लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास है, ऐसे ही जी आपके पास है, हाइट आपको दी गई है 400 किलोमीटर, इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, यानी 2 0 यहाँ पर है, 10 की पावर 3 करेंगे तो 5 0 हो जाएंगे, यानी 0.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर लिख सकते हैं इसको। अब जो टोटल एनर्जी है सैटेलाइट की हाइट एच पे क्या होगी, एक तो हाफ एम बी स्क्वायर होगी जो काइनेटिक एनर्जी है, साथ में पोटेंशियल एनर्जी जो कि माइनस जी एम ई बाय एम बाय आर ई प्लस एच से दिया जाता है। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट की वो कैसे ली जाती है,
अंडर रूट जी एम ई बाय आर ई प्लस एच। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई इसकी, टोटल एनर्जी आपकी कितनी वैल्यू हो गई, वह होगी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हम ये रख देंगे ये वाली वैल्यू, और ये तो खैर है ही, तो कुल मिला के इतनी संख्या आ गई, इसको आप माइनस करेंगे तो ये संख्या आ गई। तो नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है कि जो सैटेलाइट है ये बाउंड है अर्थ से, यानी कि इसे हम बाउंड एनर्जी कहते हैं। तो हमको जो एनर्जी इसको ऑर्बिट से बाहर निकालने की, फेंकने की होगी, वो माइनस ऑफ बाउंड एनर्जी होगी। इसका मतलब आप माइनस ऑफ माइनस इसका निकालना चाह रहे हैं, है ना। कहने का तात्पर्य यह है, जो आपका आया इसका माइनस साइन हटा देंगे, उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको बाहर निकालने के लिए, तो इतनी ही इसको प्लस में आपको देनी पड़ेगी। इसकी वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं, ये जी एम ई है या आर ई है, जो वैल्यूज हमारे पास है जो हमने पहले देखी वो यहाँ पर रखेंगे। मास 200 दिया हुआ है इसका, तो यहाँ पर 5.9 इंटू 10 की पावर 9 जूल इसका उत्तर आएगा। दो स्टार हैं और दोनों का जो सोलर मास है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को हेड ऑन, मतलब यहाँ से एक आ रहा है यहाँ से एक आ रहा है। When they are at a distance of 109 किलोमीटर, जब ये 109 किलोमीटर दूरी पर है, उनकी स्पीड जो है वो नेग्लिजिबल है। What is the speed with which they collide? अगर ये आपस में टकराते हैं तो क्या स्पीड होगी जिससे कोलाइड करेंगे? जो रेडियस है दोनों स्टार का, वो मतलब हर एक स्टार का 104 किलोमीटर दिया है। आपको अज्यूम करना है कि जो स्टार्स हैं वो टकराने के बाद अनडिस्टॉर्टेड रहते हैं, यानी कि टूटते फूटते रहेंगे। तो जो मास है इंडिविजुअल स्टार का वो ये दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है 10 की घात 4 किलोमीटर, यानी कि 10 की घात 10 की पावर 7, राइट। और ये 104 नहीं है, ये है 10 की पावर 4। इसी तरीके से 10 की पावर 9 नहीं, 109 नहीं है, 10 की पावर 9 किलोमीटर है। ओके, इस तरीके से मान के चलिए। जो डिस्टेंस दिया है स्टार के बीच में, आर आपको 10 की घात 9 दिया हुआ है, 10 की घात 9 और 10 की घात 4 को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके आगे। अब नेग्लिजिबल स्पीड यानी कि v इक्वल टू जीरो के लिए जो टोटल एनर्जी क्या होगी, जब वो आर डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ तक इनकी आर डिस्टेंस है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस जी एम इंटू एम, मतलब दोनों का मास एक है इसलिए दोनों का मास एम एम लिख दिया बाय आर। अब इन्होंने बताया कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है जब वो इस दूरी पे है, तो ये इस संख्या को हम जीरो कर सकते हैं, यानी माइनस जी एम एम बाय आर। अब जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो मान लीजिए वेलोसिटी वी है, तो डिस्टेंस क्या हो गया जब ये कोलाइड करेंगे, ये आर है ये आर है यहां से सेंटर तक, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2R। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी हाफ एम वी स्क्वायर इसकी हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि एम वी स्क्वायर। टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, माइनस जी एम एम बाय आर, यानी पोटेंशियल एनर्जी आप कर देंगे माइनस जी एम एम बाय आर, और यहां पर आर आएगा आपका 2 क्योंकि डिस्टेंस इसके बीच में 2R। यानी कि टोटल एनर्जी दोनों स्टार्स की कितनी होगी, एम वी स्क्वायर प्लस माइनस जी एम एम बाय आर। ये दोनों चीज आ गई आपकी ये वाली, लेकिन ये जो चीज है ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो इसके साथ हम इक्वेट कर देंगे दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से। ये जो जोड़ आपने लिया इसको आप पिछले एनर्जी से इक्वेट कर देंगे, और थोड़ा सा इसको वी स्क्वायर निकालने के लिए बाकी चीज को इधर ले आएंगे, एम तो खैर कैंसिल ही हो जाएगा एक, बाकी सारी वैल्यूज रख के आप देखेंगे कि वेलोसिटी आपकी 2.58 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड आएगी। दो हैवी स्फेयर है जिनका मास 100 केजी दिया हुआ है, रेडियस आपको 0.10 मीटर दिया है, ये एक मीटर दूर रखे हैं हॉरिजॉन्टल टेबल पे। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स और पोटेंशियल उनके मिड पॉइंट पे, जो लाइन ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट पे ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगला है, इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, कोई ऑब्जेक्ट अगर उस जगह पे रख दे तो क्या इक्विलिब्रियम में होगा? यदि इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो स्टेबल, इज द इक्विलिब्रियम स्टेबल या अनस्टेबल है, यानी कि अगर इक्विलिब्रियम में भी है तो क्या ये स्टेबल है अनस्टेबल है? तो कुछ किस तरीके से ये आएगा इसका मैं बताता हूँ आपको, उत्तर तो खैर ये है सारे। ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से दी हुई है, एक मीटर इनकी सेंटर से दूरी है, 0.1 मीटर इनका जो है रेडियस है, एक्स यहाँ से यहाँ तक हमने इस पॉइंट पे ये कहा कि भाई हमें निकालना है। तो जो मास है दोनों स्फीयर का वो आपको 100 केजी, सेपरेशन इनके बीच में दिया हुआ है एक मीटर, एक्स हमारा एक मिड पॉइंट है इनके बीच में स्फीयर के, ग्रेविटेशन फोर्स इस पॉइंट पे जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट किया गया है
ये इधर कर रहे हैं, ये इधर कर रहे हैं, तो अगर सेंटर पॉइंट लें तो वो जीरो होगा। जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है इस पॉइंट पे वो क्या होगा, देखिए माइनस जी एम बाय आर बाय, इसके लिए आर बाय टू, अगर हम बोले ये आर बाय टू और ये आर बाय टू, तो माइनस जी एम बाय आर बाय टू और माइनस जी एम बाय आर बाय टू दोनों को जोड़ दिया, तो माइनस फोर जी एम बाय आर, जी एम आर बाय टू, जी एम बाय आर है ना, ये आर बाय टू कंबाइंड होकर आर हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम फोर ऊपर ले गए हैं। वैल्यूज रखेंगे जी एम और आर की, जो कि हमको संख्या में दी हुई है वो हम यहाँ देंगे, तो इतनी वैल्यू जूल प्लस के जी आ जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्स पे रखा जाए वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। वाई इक्विलिब्रियम अनस्टेबल क्यों है, क्यों, क्योंकि कोई भी पोजीशन चेंज हुई इन ऑब्जेक्ट की तो जो इफेक्टिव फोर्स है या डायरेक्शन है उसका चेंज हो जाएगा, इसलिए ये अनस्टेबल रहेगा। एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ये ऑर्बिट करता है अर्थ को, उसकी हाइट है करीबन 36,000 किलोमीटर सरफेस से, अर्थ के सरफेस से, कितनी पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालना है, एनर्जी नहीं, क्या पोटेंशियल जो अर्थ ग्रेविटी द्वारा एट दिस साइट ऑफ दिस सैटेलाइट, मतलब कितना पोटेंशियल अर्थ ग्रेविटी के कारण उस सैटेलाइट पे होगा। आपको पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे जीरो माननी है, मास अर्थ का दिया है, रेडियस दिया हुआ है, तो जो डिस्टेंस है सैटेलाइट का सेंटर ऑफ अर्थ से क्या होगा, आर, ये आपका रेडियस है अर्थ का, और ये 36,000 किलोमीटर, मतलब 64, कहने का मतलब है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये प्लस ये है आपका, यहां से यहां तक 6400, यहां से यहां तक है 36,000, तो दोनों को जोड़ दीजिए आपका करीबन इतना आ जाएगा, 4.24 × 10^7 मीटर। अब क्योंकि मैंने कहा पोटेंशियल की बात करनी है, पोटेंशियल है माइनस जी एम बाय आर, जी आपको पता है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, मास आपको दिया गया है, और आपको आर भी आपने निकाल लिया, दोनों तीनों को रख दीजिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। एक स्टार है जो 2.5 times इसका जो मास है वो सन के मास से 2.5 times है, एंड कोलैप्स टू अ साइज ऑफ 12 किलोमीटर, रोटेट्स विद अ स्पीड ऑफ 1.2 revolution per second, इसका मतलब एक्सट्रीमली बहुत कॉम्पैक्ट स्टार जो इस काइंड के होते हैं, इनको हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। सर्टेन स्टेलर ऑब्जेक्ट्स कॉल पल्सार्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी, तो जो पल्सार्स होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। विल एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स इक्वेटर रिमेन स्टक टू इट्स सर्फेस ड्यू टू ग्रेविटी, क्या ऐसे जो ऑब्जेक्ट है अगर मान लीजिए इनके इक्वेटर पे कोई चीज को रख दिया गया तो ग्रेविटी के कारण वो चिपक के रहेंगे, मास ऑफ सन आपको ये निकालना है, दिया गया है। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्टार के कारण है उसको हम लिख सकते हैं जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर मास जो है एम जो है मास है, आर जो है रेडियस ऑफ स्टार है। अब जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है इस बॉडी पे, मास एम जो इक्वेटर पे काम करेगा वह है एम एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक। तो ये आपका अब आर की जगह वी की जगह आप आर ओमेगा लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन से ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम निकाल सकते हैं, जी हमें पता है, मास हमको पता है, और आपके पास ये आर भी पता हुआ है ना, 12 किलोमीटर आपने 10^12 × 10^3 लिख दिया, और ये हमारे पास ऑलरेडी है मास ऑफ सन, और इन्होंने बताया है कि ये 2.5 times, तो 2.5 times कर दिया इसका, तो यहाँ ये आपकी ग्रेविटी आ गई। अब जो इनवर्ट फोर्स है ग्रेविटी के कारण इस बॉडी पे जिसका मास है वो क्या होगा, एम इंटू ये टू पॉइंट, ये जो आपकी वैल्यू आई मास इंटू, देखिए ये तो एक्सेलरेशन है ना, बेसिकली एक्सेलरेशन है, तो एम जी करते हैं ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एम इंटू जी हम यहाँ कर देंगे, तो मास के साथ हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अभी हमने बताया वो है एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, एम वी स्क्वायर बाय आर, वी की जगह हमने आर ओमेगा रखा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास मास है, आर भी दिया हुआ है 12 × 10^3, क्योंकि किलोमीटर में है, मीटर में चेंज कर दिया, ओमेगा की जगह हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा की जगह हम ये कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर हमको 1.2 revolution per second दिया हुआ है, 1.2 revolution per second, और इसको हमको बदलना है, हम जानते हैं कैसे बदलते हैं इसको, क्योंकि ये ओमेगा है, इसको रेडियन में चेंज करना है, तो यहाँ पर हमने इसको रख लिया और चेंज कर दिया, सबको सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से आ गया। इसका मतलब जो इनवर्ट फोर्स है ग्रेविटी के कारण उस बॉडी पे, इक्वेटर पे स्टार के, ये करीबन 2.2 million times ज़्यादा है जो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसका मतलब ये है कि उस स्टार
उसके सरफेस पे, स्टार के सरफेस पे कोई भी बॉडी जो है वो चिपक के रहेगी। एक स्पेसशिप है, वो स्टेशन है मार्स पे, कितनी एनर्जी इसको दी जाए एक्सपेंडेड टू द ऑन द स्पेसशिप रॉकेट इट आउट ऑफ द सोलार सिस्टम। तो कुछ चीजें आपको दी गई है इसमें, मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ कि पहली चीज जो है कि हम इस आर को, जो आर इसको माने कि जो रेडियस है ऑर्बिट मार्स का, आर डैश हम मानते हैं रेडियस मार्स का, जो एम है वो मास सन का लेते हैं, एम डैश हम मास मार्स का लेते हैं। यदि एम ये मास है स्पेसशिप का, तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्पेसशिप की सन के ग्रेविटेशन के कारण होगी वो होगी माइनस जी एम एम बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी जो स्पेसशिप की होगी, जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन मार्स से हो रहा है क्योंकि हमने डैश लिया इसके लिए, तो माइनस जी एम डैश एम बाय आर डैश। और क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी स्पेसशिप की जीरो है, इसका मतलब जो टोटल एनर्जी क्या होगी स्पेसशिप की, ये और ये इसको आप जोड़ दीजिए, माइनस जी कैपिटल एम एम बाय आर माइनस जी एम डैश एम बाय आर, इसको जोड़ेंगे तो जो एनर्जी जरूरत है वो क्या होगी, एनर्जी जो जरूरत है स्पेसशिप में जो सोलर सिस्टम में, वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ स्पेसशिप, यानी माइनस ऑफ माइनस, इतनी ही तो जरूरत होगी। तो ये जो चीज है इसको रखिए, प्लस करिए इसको, क्योंकि इतनी ही जरूरत होगी, सारी वैल्यूज डालिए, हमारे पास सारी वैल्यूज दी गई है और आपका इतना करीब जून आ जाएगा। एक रॉकेट है जिसको फायर किया गया वर्टिकली, कहां से, सरफेस ऑफ मार्स से, इसकी स्पीड दी हुई है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि 20% इसकी इनिशियल एनर्जी लूज हो जाती है आपके मार्शियन एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस के कारण, तो हाउ फार विल द रॉकेट गो फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मार्स बिफोर रिटर्निंग, तो कितना दूर दूर जाएगा इससे पहले कि वो वापिस आ जाए। मास मार्स का दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और जी दिया हुआ है आपको। तो देखिएगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ एम वी स्क्वायर है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम एम बाय आर, ये हमें पता है। एम हम स्मॉल एम मानते हैं मास ऑफ रॉकेट, कैपिटल एम है मास ऑफ मार्स, आर है रेडियस ऑफ मार्स, तो टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनको आप जोड़ दीजिए, ये आपकी इनिशियल एनर्जी होगी। अब 20% एनर्जी लॉस हो जाती है, इसका मतलब केवल 80% एनर्जी बचती है, यानी 80/100 बचती है। तो कितना हुआ, ये कितना हो गया, इसका 80%, यानी कि 80/100 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया 4/5, तो 4/5 हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ये रखेंगे तो ये 0.4 MV² माइनस जी एम बाय आर। अब जब रॉकेट एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब है कि जो एच हाई पे पहुंचेगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी, तो केवल पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, यानी कि माइनस जी कैपिटल एम एम बाय आर प्लस एच, क्योंकि एच दूरी पे जा चुका है। तो ये जो पिछली हमने निकाली थी एनर्जी और ये जो बात की ये वाली है, इसको हम इक्वेट कर देंगे। अब जब इक्वेट करेंगे तो थोड़ा सा इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ है, और हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ये एच की संख्या में लाए, और एच की संख्या में लाने के बाद कुछ ऐसा आएगा, और जो जो वैल्यू हमें पता है आर वी जी एम आर वी, ये सारी चीजें यहाँ रखेंगे, 495 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये सवाल जवाब हुए ग्रेविटेशन के, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।